निभाने की जब बात आई तो हमारे जो विरोधी दल थे वो कहते थे कि ये बातें पूरी नहीं होंगी, हालांकि उन पे चरणबद्ध तरीके से काम शुरू कर दिया था। जो गारंटियां थी वो बहुत बड़ी दे दी थी, ये भी सच्चाई है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनको पूरा करना भी इतना आसान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जब हमारी सरकार बनी तो जो पहला निर्णय लिया, जो सबसे मुश्किल निर्णय था ओल्ड पेंशन स्कीम का, उसको सबसे पहले लिया गया और उसका लाभ जो है वो उन रिटायर्ड कर्मचारियों को, अधिकारियों को मिलना शुरू हो गया है जो पेंशन से वंचित थे, ओल्ड पेंशन के लाभार्थी नहीं बने। हमने एक स्टार्टअप योजना शुरू करने के लिए कहा था कि हम 680 करोड़ रुपए की स्टार्टअप योजना जो है शुरू करेंगे ताकि बच्चों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके। तो उसके तहत जो है वो दो फेज में जो है वो योजना शुरू कर दी है। पहला फेज था कि इसमें इलेक्ट्रिक वाहन जो है, इलेक्ट्रिक टैक्सियां और इलेक्ट्रिक गाड़ियां जो है उस पर सब्सिडी देकर, एक तो उसका पर्यावरण को संरक्षण के लिए भी लाभ मिलेगा और दूसरा बच्चों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसे बच्चे जो इलेक्ट्रिक टैक्सियां डालना चाहते हैं उनके लिए फर्स्ट फेज में 500 टैक्सियां जो हैं वो चलाए जाने के लिए जो है प्रावधान किया जा रहा है। ऐसे बच्चों ने अप्लाई किया है और बहुत जल्दी ये टैक्सियां खरीदने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी और उन्हीं गाड़ियों को फिर सरकारी विभागों में किराए पे लिया जाएगा और 40,000 रुपये उनको जो है महीने का किराया दिया जाएगा ताकि उन बच्चों के परिवारों की जो है आजीविका भी चलती रहे और साथ में लोन की किस्त भी वापस होती रहे। और ऐसा ही एक योजना जो है वो सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए बनाई है। अगर किसी के पास ऐसी खाली जमीन हो जिसमें दिन भर धूप लगती हो तो उसके लिए भी जो है वो 3 बीघा जमीन में 100 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। जैविक खेती, मतलब जैविक खेती बिना खाद के, बिना दवाइयों के जो है वो खेती करेगा, और अगर गेहूं और मक्की भी उगाएंगे तभी उनको जो है गेहूं के ऊपर जो है उसको खरीदने के लिए मिनिमम जो सपोर्ट प्राइस है वो 40 रुपये किलो निर्धारित किया है और ऐसी मक्की खरीदने के लिए जो है 30 रुपये प्रति किलो जो है उसका मूल्य निर्धारित किया। लेकिन वो जैविक खेती होगी, दूसरी रासायनिक खाद से तैयार हुई उसकी बात नहीं मैं कर रहा हूँ। तो ये थर्ड फेज में किया है। और इसके अलावा एक कि जो हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर 4-4 स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई कराई जाएगी, क्योंकि बच्चे हमारे न सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कम्पीट कर सकें, तो ये बहुत ज़रूरी है। जो हमारे जब हम स्कूल में पढ़ते थे उस समय हम सुनते थे कि बहुत सारे लोग खास करके जो हमारे विरोधी पढ़ाई जाती है, क्योंकि कई स्कूलों में इंग्लिश में पढ़ाया जाता है तो इंग्लिश का विरोध होता था, लेकिन उनका विरोध जो था वो गलत साबित हुआ। आज अगर हम देखें जो सॉफ्टवेयर निर्यात करते हैं, जो कंप्यूटर का हमें कह सकते हैं जो दिमाग तैयार करते हैं उसका निर्यात किया जाता है, तो पिछले साल हिंदुस्तान से 26.5 लाख करोड़ का सॉफ्टवेयर निर्यात किया गया। जिसको लागू करना उसी तरह से था जितना कि ओपीएस ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करना था, वो था कि महिलाओं को 1500 रुपये प्रति महीने के हिसाब से सम्मान निधि योजना जो है वो लागू करना। तो मैं आपको बधाई देता हूँ खास करके बहनों को कि वो भी पिछले कल जो है उसकी घोषणा कर दी गई है और 1 अप्रैल से जो है ये जो इंदिरा गांधी प्यारी बहना सम्मान निधि योजना इसका नाम रखा है उसकी योजना जो है वो पूरे हिमाचल प्रदेश में लागू हो जाएगी। और जो पात्र महिलाएं हैं 18 से 59 साल तक की जिनकी उम्र है और साथ में जो इसी गाइडलाइंस बनेगी जो पात्र होगी उन सबको जो है ये लगभग 5 लाख महिलाओं को जो है इसका लाभ मिलेगा। इसके ऊपर साल में 800 करोड़ के करीब जो है खर्चा किया जाएगा। इससे पहले इसको लाहौल स्पीति जिले में लागू कर दिया था और साथ में जो महिलाएं जिनको 60 साल से ऊपर थी और जिनको 1100 रुपये पेंशन मिलती थी उसको बढ़ाकर 1500 रुपये कर दिया था। ठीक है, ये बहुत बड़ा एक हमारा जो वायदा था उसको पूरा करने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी पिछले दिनों आपने सुना कि